हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पर सीखो। तो ये फ्रेंड्स बनाना जा रही हूँ सांभर। इसके लिए मैंने ली थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ी सी तुअर की दाल। उसके साथ मैंने ये टमाटर कट लिए हैं, ये है प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची, इसमें है लौकी, आलू और गाजर। अब जो भी सब्जी डालना चाहें डाल दें। दोस्तों मैंने ये सब सब्जी इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, फिर डालेंगे हल्दी थोड़ा सा, क्योंकि सांभर मसाला भी पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की जरूरत नहीं है। और इसमें डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। चलिए अब इसको बॉईल कर लेते हैं। दोस्तों ये पक गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे सांभर मसाला, और थोड़ा सा पतला करना है तो उसके लिए मैं पानी को बॉईल कर रही हूँ, अगर छोटा था तो उस हिसाब से। और फिर इसमें हम डालेंगे तड़का। तो ये देखिए दोस्तों पानी डाल दिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं सांभर मसाला, MTR का है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद तड़का की तैयारी। देखिए दोस्तों मैंने तेल डाल दिया है, मैं डाल दे रही हूँ जीरा और हींग, बहुत ज़रूरी है सांभर में, और नीम का पत्ता। तड़का रेडी हो गया है। तो ये देखिए थोड़ा सा सांभर से मिला दे रहा है, जिसके बिना ये पूरा तड़का जो है निकल के इसको आ गया है। देखिए हम इसको पलट देंगे इसमें इस तरीके से। देखिए पलट गया ना, ये मस्त सांभर बन गया है। इस पर धनिया पत्ती और डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें डाल दिया धनिया पत्ती। अब ये सांभर जो है एकदम मस्त मस्त, इडली के साथ खाइए, डोसा के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी सर्व करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सिंपल और सादा इडली सांभर रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।